देखिए आज बुद्ध पूर्णिमा है और पूरा देश कहीं मना रहा है। हमारे साथ है शीलवंश भंते जी, आइए जानते हैं क्या महत्वपूर्ण है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ये सम्यक संबुद्ध को संबुद्धत्व प्राप्ति के 2066 वर्ष गिर रहा है। उनका तीन जीवन का तीन अवस्था है, जन्म और ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण। ये तीनों अवस्था बुद्ध पूर्णिमा का दिन में ही हुआ। उनका मैसेज आज का दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका संदेश था शांति और ज्ञान। शांति और ज्ञान पर ही दुनिया में शांति बना सकता है तो सुख मिलता है। ज्ञान के जरिए ही दुनिया को सुख दे सकता है। इसीलिए बुद्ध का जो रास्ता अपनाएंगे, जो दुनिया में लोगों को और समाज को दुख से मुक्त हो सकता है। वो गौतम बुद्ध जी के तीन धम्म थे, कहे तो धम्म संघ। यस, बुद्ध धम्म संघ है। बुद्ध तो सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ नाम से जन्म लिया था। गौतम सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने बुद्ध बन गया, मतलब बुद्धि पाया। वो बुद्ध बनने के बाद उनको बुद्ध कहा जाता है। फिर उन्होंने बुद्ध बनने के बाद जो भी उनका मुंह से जो शब्द निकला है उनको धम्म कहते हैं। और इसी बुद्ध धम्म के मार्ग में पूरा आजीवन समर्पित करने वाला एक संघ संस्था बनता है। इसीलिए इसी बुद्ध धम्म संघ, ये तीन के साथ ही ये बुद्ध शासन आगे बढ़ते आ रहा है इतिहास में। इसीलिए अभी बुद्ध और धम्म, बुद्ध तो अभी जीवित नहीं है और धम्म भी अभी है लेकिन वो सजीवी नहीं है। सजीवी होते हैं लोगों के भीतर और बुद्ध और धम्म दोनों सजीवी लोगों के भीतर। इसीलिए ये लोगों के भीतर इसी बुद्ध और धर्म को ले जाने वाला संस्था है संघ। इसलिए संघ जीवित है, अभी संघ संस्था अखंड चलते आ रहा है। बात करें आज भी जिसे कि जो कि अपने आप को बौद्धिस्ट मानते हैं, कहीं ना कहीं आज भी देखा गया बस कहने मात्र के लिए कुछ लोग हैं, कुछ लोग कि बौद्धिस्ट तो मान रहे लेकिन उन बुद्ध द्वारा जो दिए गए वचन हैं, उनके जो प्रवचन हैं, उनको कहीं ना कहीं वो अमल में नहीं लेके आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए। जैसे देखिए अकाल का पूरा दिन भर हम लोग यहाँ पे अभ्यास का प्रोग्राम रखा था, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो असली मकसद था लोगों को अभ्यास के द्वारा उन लोगों का क्षमता बढ़ाना। इसीलिए उन लोगों को ये कहना है, बुद्ध ने कहा शील समाधि प्रज्ञा। शील मतलब शरीर से और वाणी से आचरण को ठीक करना, और समाधि का मतलब है मन का शांति बनाना। ये दोनों आप आगे अभ्यास करते हैं तो आपको ज्ञान पा सकता है। जो ज्ञान पाएंगे तो सही क्या गलत क्या क्या करना है नहीं करना है खुद को डिसाइड कर सकता है। उसके बाद उन्होंने किसी दूसरा व्यक्ति पर शक्ति पर किसी पे विश्वास अविश्वास का बात नहीं है, किसी पे वो नियंत्रण नहीं होता, खुद को फैसला ले सकता है, मतलब खुद को डिसाइड कर सकता है सही क्या है गलत क्या है। इसलिए खुद को फैसला कर सकता है तो वो डिसाइड करेगा खुद ने, उसी के लिए प्रज्ञा को ज्ञान को बढ़ाना है। आज भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाखंड के जंजाल में फंसे हुए हैं। ऐसा चीज हर ही देशों में होता है, सभी दुनिया में सभी समाज में सभी देश में एक ही घर में कुछ लोग इस चीज खुद भगवान ने जातिवाद को खत्म किया, कहीं ना जातिवाद एक ही घर में खुद लोग इसको विश्वास करता है कुछ लोग इसको विश्वास नहीं करता है। ये करना है जो केवल जो व्यक्ति है उसी व्यक्ति को इसको समझते हुए इसको अभ्यास लेके लेते और बुद्ध का मार्ग में चलते हुए अपना शांति अगर बाकी लोगों को दिखाएंगे, अपना ज्ञान बाकी लोगों को दिखाएंगे
अपना क्षमता जो बुद्ध धर्म के द्वारा जो मिला हुआ, जो लोग देखेंगे तो खुद लोग परिवर्तन होगा, जो कहते रहेंगे तो होगा नहीं। जो हम खुद बुद्ध का रास्ता में जा करके मेरा क्षमता बढ़ा करके हम दुख से मुक्त होकर के लोगों तो हंसते रहेंगे तो लोग मेरे साथ इकट्ठा ही होगा, वो बुद्ध धर्म होगा। वो सब मतलब नहीं है, बुद्ध ऐसा नहीं कहता है बुद्ध धर्म बनो, बुद्धिस्ट बनो। बुद्ध कहते हैं जो भी धर्म में रहता है मेरा जो शब्दों के द्वारा दुख से मुक्त हो जाओ, उसी दुख से मुक्त होने के लिए बुद्धि तो पाना पड़ेगा ना। इसीलिए अगर हम बुद्धि पाकर बौद्ध धर्म के द्वारा, बुद्ध का वचन के द्वारा हम शांति पाएंगे, दुख से मुक्ति होंगे, तो किसी धर्म का मतलब ना लोग मेरे पीछे आएगा, बुद्ध का पीछे आएगा, बुद्ध धर्म का आश्रय करेगा, परिवर्तन को होगा। ये चीज़ें बुद्धिस्ट होते हुए भी ये अभ्यास सही से नहीं करता है तो लोग दिखाई नहीं देता है कोई परिवर्तन, जो पाखंड का दूसरे का क्या परिवर्तन है, ऐसे होने में इसको वैल्यू नहीं मिलता है। लास्ट में क्या संदेश देना चाहिए? लास्ट में ये क्या संदेश देना है, जितना हो सकता है उतना बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध ने जो अभ्यास दिया है उसी अभ्यास के द्वारा ज्ञान पाओ, अभ्यास करके क्षमता बढ़ाओ। तो शिक्षा के द्वारा ज्ञान बढ़ाओ, तभी जैसा जो अंधविश्वास सब देश से दूर हो जाएगा, नहीं तो नहीं। हमारे साथ डॉक्टर रमेश राज जी हैं जो कि ESI हॉस्पिटल में एडिशनल डायरेक्टर हैं, और कहीं ना कहीं आज बौद्ध जो पूर्णिमा है, बुद्ध भगवान के जो है दर्शन करने आए हैं। आइए हम जानते हैं बुद्ध भगवान से इन्होंने बौद्ध धर्म जो है कब से अपनाया है और क्यों अपनाया। मैडम मैं तो आई एम बॉर्न इन दिस सेम कास्ट एज ए जाटो, सो एंड हिंदी में बोलो। अच्छा ओके। और क्योंकि मैं तो शुरू से ही अम्बेडकर राइट हूँ, तो बौद्ध धर्म अपनाना तो स्वाभाविक है। जब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनाया तो मान लो कि हमने भी अपनाया ही है, तो हम भी उनके फॉलोअर्स हैं। तो आज उनकी जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है, तो उनके चरणों में हम अपना शीश नवाने आए हैं और उनका आशीर्वाद लेने के यहाँ आए हैं। और मैं तो हर साल ही आता हूँ, और जो भी हमसे कुछ बन पाता है वो हम लोगों की सेवा में अर्पित भी करते हैं। और भी तो धर्म थे, उन्हें क्यों ना अपना करके आपने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? मैडम बौद्ध धर्म अपनाने की बात नहीं, ये तो हमें विरासत में ही मिला है। क्योंकि अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं तो उन्होंने बौद्ध धर्म आया, तो उनकी हर चीज़ को हम मानते हैं, तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। बौद्ध धर्म में बड़ी शांति है, आपने देखा होगा। और हिंदुस्तान क्या मैं समझता हूँ बाखंड बिल्कुल है ना जी, तो उसमें सब हम ध्यान देते हैं। और डॉक्टर्स होने के नाते हम तो अहिंसा में वैसे विश्वास रखते हैं, तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए इसमें अपनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें विरासत में ही मिला है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि भाई जो आज जो अपना बौद्ध धर्म है, ये हिंदुस्तान के अलावा जो 24 और कंट्रीज़ में भी है, तो जो मोंक लोग हैं उन लोगों तो को और भी कंट्रियां जो हैं जिसमें नहीं है वो भी अपना रहे हैं। बिल्कुल वो अपना रहे हैं। तो हमारा तो यही है कि भी जो आज के मोंक लोग हैं, जो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध जो थे वो घूम घूम कर इस धर्म का प्रचार करते थे, तो आज के जो मोंक लोग हैं वो भी इस चीज़ का प्रचार करें, ताकि और कंट्री में, हिंदुस्तान में तो फैले ही पहले, दूसरी और कंट्रियों में भी फैले। यही है मेरा संदेश है।